हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल पंडे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे WWE के तीन ऐसे सुपरस्टार के बारे में जो भूतों की तरह अंधेरे में एंट्री मारते हैं और जिनकी एंट्रेंस भी काफ़ी डरावनी होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग वर्सेस ब्रे वाइट के बारे में कि अंडरटेकर, स्टिंग और ब्रे वाइट में से कौन ज़्यादा तगड़ा है, कौन ज़्यादा खतरनाक है और कौन ज़्यादा नौटंकीबाज है। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है कुछ ज़्यादा खास, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, वैसे तो WWE में खतरनाक रेसलर और भी हैं, लेकिन इन तीनों का कंपैरिजन मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये तीनों रेसलर भूतों की तरह अंधेरे में एंट्री मारते हैं, फिर एकदम से गायब भी हो जाते हैं, अपने हाथों से बिजली भी निकाल कर दिखाते हैं और अपनी आंखों से भी लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें अंडरटेकर और स्टिंग के बारे में, तो ये दोनों रेसलर अपने टाइम के काफ़ी खतरनाक रेसलर हैं, लेकिन जहाँ बात आती है ब्रे वाइट के बारे में, तो ये किसी भी एंगल से खतरनाक नहीं लगते हैं, लेकिन इनकी एंट्रेंस काफ़ी डरावनी होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इन तीनों रेसलर की हाइट और वेट के बारे में। दोस्तों, अंडरटेकर की हाइट है 6'10" और वेट 328 पाउंड, स्टिंग की हाइट है 6'2" और वेट 250 पाउंड, और ब्रे वाइट की हाइट है 6'2" और वेट 285 पाउंड। दोस्तों, अगर हम बात करें टाइटल की, तो अंडरटेकर 3-time WWE वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन, 4-time WWF चैंपियन, 6-time WWF टैग टीम चैंपियन, 1-time WWF हार्डकोर चैंपियन और 1-time WCW टैग टीम चैंपियन रह चुके हैं। इसके अलावा अंडरटेकर 2007 के रॉयल रंबल विनर भी रह चुके हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें स्टिंग के बारे में, तो स्टिंग 6-time WCW वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन, 2-time WCW इंटरनेशनल वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन, 2-time WCW यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, 3-time WCW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन और 4-time TNA वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन भी रह चुके हैं। इसके अलावा स्टिंग NWA वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियन, NWA वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन और TNA वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, टाइटल के मामले में स्टिंग अंडरटेकर को काटे की टक्कर देते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें ब्रे वाइट के बारे में, तो ब्रे वाइट सिर्फ 1-time WWE चैंपियन रह चुके हैं। फ्यूचर में अगर और टाइटल जीत लें तो वो अलग बात है। इसके अलावा ब्रे वाइट WWE रो टैग टीम चैंपियन और WWE स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं। लेकिन दोस्तों, जहां बात आती है कि इन तीनों में से कौन ज़्यादा तगड़ा है, कौन ज़्यादा खतरनाक है और कौन ज़्यादा नौटंकीबाज है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अंडरटेकर और स्टिंग, ये दोनों रेसलर अपने टाइम के काफ़ी खतरनाक रेसलर हैं, खास तौर से अंडरटेकर, जिसके नाम से आज भी अच्छे अच्छे रेसलर्स के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां बात आती है ब्रे वाइट की, तो ये किसी भी एंगल से खतरनाक नहीं लगते हैं, बल्कि नौटंकीबाजी ज़्यादा करते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी एंट्रेंस काफ़ी डरावनी होती है। लेकिन दोस्तों, जहां बात आती है इन तीनों में से कौन ज़्यादा तगड़ा है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, ये कहना है बिल्कुल आसान है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अंडरटेकर स्टिंग और ब्रे वाइट के मुकाबले बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, क्योंकि दोस्तों अंडरटेकर ने रेसलमेनिया में केन, साइको सिड, केविन नैश, बिग शो, जायंट गोंजलेज, ट्रिपल एच, मार्क हेनरी, बटिस्टा, रैंडी ओटन, CM पंक, स्वान माइकल और जॉन सीना जैसे महान रेसलर्स को हराया है, और अंडरटेकर के रेसलमेनिया के 21-0 के रिकॉर्ड को बनाना कोई आसान काम नहीं है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अंडरटेकर स्टिंग और ब्रे वाइट के मुकाबले बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। अगर हम इन तीनों को नंबर वाइज देखें, तो इन तीनों में से सबसे तगड़ा अंडरटेकर है, फिर स्टिंग है और लास्ट में ब्रे वाइट है। लेकिन आपको क्या लगता है, वो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, ताकि मैं आपके लिए एक से एक अच्छी से अच्छी रेसलिंग की वीडियो लाता रहूँ।